2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी, मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है। ममता दीदी, मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या? मतवा समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? शरणार्थी भाई बहन रहने देंगे क्या? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठिए को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की। और ये सारे विरोधी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस बहकाते, माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को बहकाते कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है मेरे मतवा समाज के भाइयों बहनों माताओं को नागरिकता देने का काम करें, उनको गुमराह करें। मैं देश के गृह मंत्री इस नाते पवित्र मन से कहना चाहता हूं, सीए के अंदर एक भी मुस्लिम भाई बहन की नागरिकता चली जाए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो वो करना चाहते हैं जो 70 साल से यहां है, आज भी अपमानित होकर जी रहे, क्या दोष है उनका? उनका दोष क्या है? ये देश पर उनका जितना ही अधिकार है जितना यहां के रहने वाले लोगों का है, शरणार्थी भाइयों का अधिकार इतना ही है जितना मेरा अधिकार है, आप सबका अधिकार इतना ही है जितना मेरा है।